गोली मारी गई है। बागपत से खबर बता रहे हैं, जहां पर वॉलीबॉल खेल रहे किशोर को गोली मार दी गई। बेखौफ 13 से 14 युवकों पर गोली मारने का आरोप लगा है। गंभीर हालत में किशोर अस्पताल में भर्ती। बड़ौ थाना क्षेत्र के बाबली गांव की ये घटना बता रहे हैं आपको। बड़ौ थाना क्षेत्र के बाबली गांव की ये घटना वॉलीबॉल खेल रहे किशोर की गोली मार करके हत्या, गोली मार दी गई है। बेखौफ 13 से 14 युवकों पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, गंभीर हालत में किशोर अस्पताल में भर्ती है। बड़ौ थाना क्षेत्र के बाबली गांव की एक घटना बता रहे हैं आपको, जहां पर एक किशोर वॉलीबॉल खेल रहा था और उसी समय उसको गोली मार दी जाती है। बेखौफ 13 से 14 युवकों पर गोली मारने का आरोप लग रहा है और गंभीर हालत में किशोर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ौ थाना क्षेत्र के बाबली गांव की ये घटना बता रहे हैं आपको। बागपत से खबर, वॉलीबॉल खेल रहे किशोर को गोली मारी गई। बेखौफ 13 से 14 युवकों पर गोली मारने का आरोप। गंभीर हालत में किशोर अस्पताल में भर्ती। वॉलीबॉल खेल रहे किशोर को गोली मारी गई। बेखौफ 13 से 14 युवकों पर गोली मारने का आरोप लगा है। बड़ौ थाना क्षेत्र के बाबली गांव की घटना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, वॉलीबॉल खेल रहे किशोर को गोली मार दी जाती है, 13 से 14 युवकों पर आरोप लगाए, क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना बड़ौ थाना क्षेत्र के बाबली गांव की है, जहां पर वॉलीबॉल खेल रहे एक खिलाड़ी के साथ में जो वहां विवाद हुआ था खेल के मैदान में ही, और उसी के बाद जो वहां मतलब शरारती तत्व थे, दबंग किस्म के लोग थे, जिसमें 12 से 13 आदमी थे, उन्होंने जो है एक युवक को तबड़तोड़ गोली चला दी गाँव के अंदर, जिसमें भगदड़ी मची थी, और उसमें जो घायल हुआ है ये अभी हॉस्पिटल में, इसका अभी जो इसकी हालत है वो चिंताजनक बनी है। लेकिन हालांकि उसमें नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। जी कुलदीप, किशोर की स्थिति कैसी है? अभी उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और अभी उसका उपचार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है बागपत से उसको रेफर कर दिया गया था हाल सेंटर के लिए, अभी मेरठ में उसका इलाज चल रहा है, और उसके बाद भी उसकी हालत जो अभी बताई जा रही है, जो चिकित्सक का कहना है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है, तो उसको लेकर भी जो परिवार के अंदर है उसमें कोहराम मचा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। गंभीर हालत में किशोर अस्पताल में भर्ती है। बड़ौ थाना क्षेत्र के बाबली गांव की यह घटना बता रहे हैं आप। बागपत से खबर आप